नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो पे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का एक और मैच एनालिसिस करेंगे, मैच नंबर 43 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, जो 11 नवंबर सैटरडे सुबह 10:30 एमसीए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। स्टैट्स, वेनू स्टैट्स, हेटो स्टैट्स, ये स्टैट्स, वो स्टैट्स आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको स्टैट्स से निकाल के ड्रीम इलेवन पे स्मार्ट बनाएंगे। वीडियो पे प्रैक्टिकली बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच पे क्या क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी पार्ट को मिस मत करिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए। पिच रिपोर्ट। एमसीए ग्राउंड का पिच एक बैटिंग सरफेस है जहां पे बैट्समैन के लिए बहुत सारे रन पड़े हुए हैं। एवरेज फास्ट इनिंग स्कोर 319 रन है। यहां पे बॉलर के लिए बात करें तो फास्ट बॉलर को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है शुरुआती ओवर्स में। टोटल फास्ट बॉलर को 86 विकेट मिला है लास्ट 7 मैचों पे। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो वो 300 प्लस फास्ट इनिंग स्कोर इस पिच पे बनाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का बॉलिंग है तो कुछ खास नहीं है, जमकर पिटाई करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो 300 प्लस फास्ट इनिंग स्कोर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा वो 200 से 250 तक ही निपट सकता है। हेड टू हेड ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का ये मैच एक औपचारिकता रहेगा है बस। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पहुंच चुका है और बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, वो बस अपना चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहा है, जो मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करिए। इससे पहले दो टीमें ओडीआई पे 20 मैचों पे आमना सामना हुआ है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 19 और बांग्लादेश सिर्फ एक बार ही जीता है, तो रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है और इस मैच को भी ऑस्ट्रेलिया को ही जीतना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस मैच के लिए दो टीमों का क्या प्लेइंग 11 रह सकता है वो देख लेते। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पहुंच चुका है, तो उनका स्क्वाड में एक दो चेंजेस हो सकता है। तो लास्ट मैच में खेलते हुए मैक्सवेल चोटिल हो गया था, तो उनके जगह स्टीव स्मिथ अगर फिट हो तो स्टीव स्मिथ वापस आ सकता है। और जो उनका पेसर है मिचेल स्टार्क्स और जॉस हेजलवुड, उनको रेस्ट देके शॉन एबॉट और क्रिस ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया खिला सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या रख सकता है ये मैच के लिए, तो ओपनिंग में ट्रेविस हेड, उसके साथ डेविड वार्नर, वन डाउन पे मिचेल मार्श, उसके बाद स्टीव स्मिथ, मार्कस लैबोचोनी, विकेट कीपर बैट्समैन जॉस इंग्लिस, मार्कस टोरिस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क्स या शॉन एबॉट में से कोई एक को खेलते हुए देख सकता है, एडम जैम्पा और जॉस हेजलवुड और क्रिस ग्रीन में से किसी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैच पे खेलते हुए देख सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो पैट कमिंस, एडम जैम्पा, उसके बाद मिचेल स्टार्क और एबॉट में से कोई एक, और जॉस हेजलवुड और क्रिस ग्रीन में से कोई एक, इन चारों तो मेन बॉलर है। उसके साथ साथ मार्कस टोरिस और मैक्सवेल अगर नहीं खेलेगा तो उसके जगह स्टीव स्मिथ, मार्कस लैबोचोनी मिलके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग करेगा। मिचेल मार्श को भी एक आध ओवर आपको बॉलिंग करते हुए देख सकता है, वो प्रैक्टिस मैच की तरह इस मैच को ले सकता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड तो शुरुआती ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए देखता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। शायद इस मैच पर अगर वो दोनों नहीं खेलेगा तो पैट कमिंस के साथ शॉन एबॉट को हम लोग बॉलिंग करते हुए देख सकता है। मार्कस टोरिस भी एक आध ओवर आपको बॉलिंग करते हुए डाक देख सकता है पावर प्ले पे। और डेथ ओवर की बात करें तो शॉन एबॉट, क्रिस ग्रीन, पैट कमिंस मिल के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से साकिबुल हसन, उसका कप्तान, वो इस मैच से बाहर हो गया है। उसके जगह नजमुल हुसैन सांतो बांग्लादेश की तरफ से इस मैच पे कप्तानी करते हुए दिखेंगे आपको, और साकिबुल हसन की जगह मेहदी हसन बांग्लादेश की तरफ से आपको खेलते हुए देख सकता है। बांग्लादेश की तरफ से प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में तंजीत हसन, उसके बाद लिटन दास, उसके बाद नजमुल हुसैन सांतो, उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन मुस्तफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, तोहिद हिदय, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन, तंजीब हसन साकिब, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम को हम लोग बांग्लादेश की तरफ से इस मैच में खेलते हुए देख सकता है। बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, तंजीब हसन साकिब, मेहदी हसन और मेहदी हसन मिराज पांचों ही मेन बॉलर है, कोई एक्स्ट्रा बॉलर नहीं है। पिछले वाला मैच पे नजमुल हुसैन सांतो एक ओवर बॉलिंग करते हुए देखे थे। महमूदुल्लाह भी बॉलिंग डाल सकता है लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं डाला है अभी तक, तो पांचों ही मेन बॉलर है।
तो बांग्लादेश की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो तस्कीन अहमद और सरीफुल इस्लाम बांग्लादेश की तरफ से शुरुआती ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। पावर प्ले का एक आध ओवर तंजीफ हसन साकिब भी आपको डालते हुए देखे और यही तीन बॉलर बांग्लादेश की तरफ से डेथ ओवर में भी बॉलिंग करेगा, तंजीफ हसन साकिब, तस्कीन अहमद और सरीफुल इस्लाम। उसके बाद आपके फैंटेसी टीम पे इस मैच के लिए डिसेंट पिक क्या क्या रह सकता है वो देख लेते। तो यहाँ पे जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करिए और जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है उन्हीं को प्रेफर करते हुए टीम की बनाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि बांग्लादेश सामने ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, डेविड वाटनर, मिशेल मार्श, स्टीव स्मिथ अगर इस मैच पे वापस आ जाएगा तो स्टीव स्मिथ, उसके बाद पैट कमिंस, एडम सैम्पा और मिचेल स्टार्क और एबॉट में से जो खेलेगा और हेजलवुड और ग्रीन में से जो खेलेगा उनको आप अपनी टीम पे पिक कर सकता है। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ओपनिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मिचेल मार्श वन डाउन पे बैटिंग करते हुए देखेंगे आपको और स्टीव स्मिथ टू डाउन पे बैटिंग करते हुए देखेंगे इस मैच पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पैट कमिंस, एडम जैम्पा, स्टार्क, हेजलवुड, एबॉट और ग्रीन आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे और बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस ये कर सकता है क्योंकि सामने बांग्लादेश है, तो ये सभी लोग आपकी टीम पे अच्छा पिक हो सकता है। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग में लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, सरीफुल इस्लाम को आप बांग्लादेश की तरफ से पिक कर सकता है। लिटन दास बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करते हुए आएगा, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल बैट्समैन है, इस पिच पे अच्छा रन बना सकता है वो। और उसके बाद मेहदी हसन मिराज की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से साकिबुल हसन तो खेलेगा नहीं, तो उसके बाद मेहदी हसन मिराज ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों सेक्शन से आपको पॉइंट दिला सकता है। तो मेहदी हसन मिराज आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा। बॉलिंग से आप सरीफुल इस्लाम को पिक कर सकते हैं, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा सरीफुल इस्लाम, क्योंकि विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है और बांग्लादेश की तरफ से शुरुआती और डेथ ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे तो सरीफुल इस्लाम आपकी टीम पे एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद इस मैच के लिए आपके फैंटेसी टीम पे डिसेंट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वाटनर, एडम जैम्पा को आप कैप्टन बना सकता है अपनी टीम पे। एडम जैम्पा तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा, खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड बॉलिंग करेगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन। तो इन दोनों में से किसी को भी आप अपनी टीम पे कैप्टन बना सकता है, आप चाहे तो दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। उसके बाद वाइस कैप्टन में मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड को साथ आप जा सकता है। वाइस कैप्टन में मिशेल मार्श वन डाउन पे बैटिंग करते हुए देखेंगे और ट्रेविस हेड ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखेंगे। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इन दोनों आपके लिए अच्छा पिक बन सकता है। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन में अगर किसी को ट्राई करना चाह रहा है तो मेहदी हसन मिराज सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, तो इन्हीं के साथ आप जा सकता है, आपके लिए अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। उसके बाद जीएल पे यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ अगर इस मैच पे खेलेगा तो टू डाउन पे बैटिंग करते हुए आ सकता है। अगर बांग्लादेश जल्दी ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरा दे तो स्टीव स्मिथ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इस पिच पे अच्छा रन बना सकता है वो। एक ठो सौ नहीं मारा है इस मैच, इस वर्ल्ड कप में, तो एक ठो सौ हम लोग अगर वो खेलेगा तो उनसे उम्मीद कर रहा है, तो इसी चक्कर में आप इनको कैप्टन बना सकते हैं अपनी टीम पे। जीएल पे अच्छा पिक होगा। उसके बाद बॉलिंग से पैट कमिंस, मेचे स्टार्क्स, सॉन एवर्ड में से जो खेलेगा, जॉस एलोट और क्रिस गेन में से जो खेलेगा उनको आप जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। अगर मिचेल स्टार्क्स खेलेगा तो स्मॉल लीग पे भी आप जा सकते हैं उनके साथ, लेकिन हम लोग यहाँ पे शायद जॉस एलोट और मिचेल स्टार्क इस मैच पे आपको खेलते हुए ना देंगे, तो सॉन एबर्ट और क्रिस गेन को आप जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। पैट कमिंस भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, मेहदी हसन, इन लोगों को अपने जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। कैप्टन में भले ही नहीं ट्राई कर रहा है, वाइस कैप्टन में तो जरूर ट्राई करना, जीएल पे अच्छे ऑप्शन है। मुस्तफिकुर रहीम ऊपर बैटिंग करते हुए आ सकता है, विकेट कीपिंग करेगा बांग्लादेश की तरफ से, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल बैट्समैन है, लास्ट तीन चार मैच से परफॉर्मेंस नहीं किया है तो उम्मीद कर रहा है इस मैच पे आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है, तो इसी चक्कर में इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं जीएल पे। महमूदुल्लाह भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे भी चल रहा है, भले ही थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आ रहा है लेकिन बांग्लादेश के विकेट जल्दी गिर सकता है, तो महमूदुल्लाह को बहुत ज़्यादा ओवर मिल सकता है खेलने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके साथ साथ मेहदी हसन भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जीएल पे इनको टीम पे तो पिक कर ही सकता है, अगर वाइस कैप्टन में ट्राई करना है तो कर लीजिएगा, कैप्टन भी अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग रखा है इनको
अच्छा खासा बॉलिंग कर लेता है, विकेट मिल जाता है इनको, और बैटिंग से थोड़ा सा नीचे बैटिंग करना है। बैटिंग से तो ज़्यादा उम्मीद हम लोग इनसे नहीं रख रहे हैं, बॉलिंग से इनको विकेट मिलने का चांसेस एक रहता है, इसीलिए हम लोग इनको रखा है। और एक कॉम्बिनेशन आपको बता दें इस मैच के लिए कि जो जानते ही है अब कि ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आएगा और ऑस्ट्रेलिया की सारे बॉलर को ले लीजिए, और बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज को लीजिए और एक आध प्लेयर को पिक करिए रोटेशन में, और कैप्टन वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रोटेशन में ट्राई करते रहिए, जीएल पे अच्छा रैंक ला सकता है वो टीम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच की ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए क्रिक इलेवन हब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकता है। टेलीग्राम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए अभी स्मॉल लीग का टीम देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से मुस्तफिकुर रहीम, लिटन दास और जॉस सिंगलिस तीनों ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग लिटन दास को पिक कर रहे हैं। मुस्तफिकुर रहीम भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, ऊपर बैटिंग करते हुए आ सकता है और विकेट कीपिंग करेगा, और बांग्लादेश की तरफ से एक अच्छा पिक बन सकता है आपके टीम पे, आप चाहे तो इनको अपने टीम पे ट्राई करना। उसके बाद जॉस इंग्लिश भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, आप चाहे तो इनके साथ जा सकता है, जीएल पे इनको जरूर ट्राई कर लेना आपके टीम पे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं, तो बैटिंग सेक्शन से हम लोग डेविड वार्नर को पिक कर रहे हैं, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, इन तीनों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आएगा, तो इन तीनों को हम लोग पिक कर रहे हैं। महमूदुल्लाह को आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर लेना, हम लोग स्टीव स्मिथ के साथ जा रहा है, टू राउंड पे बैटिंग करते हुए आएगा, अगर खेलेगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा, तो इनके साथ भी हम लोग जा रहा है। आप चाहे तो नजमल हुसैन सांतो, मार्कस लेबोचोनी को भी ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सवेल इस मैच के लिए ना खेले, उनको रेस्ट दिया जाए, तो मेहदी हसन मिराज को हम लोग पिक कर रहे हैं। मार्कस टर्निस शायद इस मैच पे भी हमको खेलते हुए दिखे, तो मार्कस टर्निस को भी हम लोग पिक कर रहे हैं। मेहदी हसन एक अच्छा ऑप्शन होगा, इनको जीएल पे जरूर ट्राई करना आपके टीम पे, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। क्रिस गेल अगर इस मैच पे खेलेगा तो वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शॉन एबर्ट इस मैच पे खेलते हुए देखे, तो इसीलिए हम लोग शॉन एबर्ट को पिक कर रहे हैं। क्रिस किन को भी आप चाहे तो आपकी टीम पे पिक करना। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे एडम जैम्पा और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो दोनों को हम लोग खेलते हुए देखेंगे, तो इन दोनों को हम लोग पिक कर रहे हैं। जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस मैच पे उनको ना रेस्ट दिया जाए, तो इन दोनों को हम लोग शायद इसलिए पिक नहीं कर रहे हैं, अगर फाइनली अगर खेलेगा तो इन दोनों तो आपकी टीम पे मस्ट हैव पिक। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से हम लोग शरीफुल इस्लाम को पिक कर रहा है, आप चाहे तो तस्कीन अहमद को पिक कर सकता है, तंजीद साकिब भी अगर खेलेगा, तंजीद साकिब को भी आप चाहे तो अपनी टीम पे ट्राई कर लेना। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हम लोग डेविड वार्नर को कैप्टन बना रहा है, आप मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड को भी वाइस कैप्टन बना सकता हो। मेहदी हसन मिराज एक अच्छा ऑप्शन होगा बांग्लादेश की तरफ से, हम लोग फिलहाल के लिए एडम जैम्पा के साथ जा रहा है। तो ये रही हमारी अभी तक का टीम, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।